नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू IAS एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, CEO, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपको सफल बनाना मेरा मकसद है, मेरी जिम्मेदारी है और मेरा एक जुनून भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूले। आपके इस छोटे से प्रयास से मुझे एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है, मुझे एक इंटेंस मोटिवेशन मिलता है। तो आज मेरे दोस्तों, मैं आप लोग को एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि अपने अतीत से कैसे उभरे। कभी कभी अतीत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे बहुत सारे लोग उभर नहीं पाते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस हो गया, या और भी चाहे हो सकता है आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हों। तो बहुत सारे लोग उस अतीत में ही जीते हैं और वो सोचते हैं कि यही मेरी ज़िंदगी है। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। आने वाला भविष्य जो एकदम प्लेन है, जिसके पन्ने सादे हैं, इस पे आपको कहानी लिखनी है। आपको मैं बता दूं, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अगर वो अतीत को देखते तो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते। जीवन में इतनी असफलताएँ वो पाए, फिर भी वो लड़ते रहे, जूझते रहे और साहस के साथ आगे बढ़ते रहे और एट लास्ट जा करके वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। सो अप्रिय अतीत से उबरना जरूरी है। अतीत के अप्रिय अनुभव को बार बार याद करने से वर्तमान अवसादपूर्ण होता है। अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो अप्रिय अतीत से पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है। इन उपायों को अपनाकर आप पूरे बुरे अतीत से पीछा छुड़ा सकते हैं। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, कुछ उपाय शेयर करूंगा, जिसको अगर आप करते हैं, डेली करते हैं। पहली बात तो मुस्कुराने की आदत डालिए। सबसे पहली चीज़ है मुस्कुराने की आदत डालिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोड पे चलते हुए सबसे मुस्कुराएं, नहीं, कम से कम घर के माहौल में मुस्कुराने की आदत डालिए। बहुत सारे लोग घर में, इतने लोग रह रहे हैं लेकिन मुस्कुराने की आदत नहीं, एक दूसरे को मुस्कुरा करके बात नहीं कर सकते हैं। तो नंबर वन मैं बताऊँगा, दूसरों के साथ नकारात्मक और अप्रिय अनुभवों के बारे में बात करने से बचें, निगेटिव बातें दूसरे से करने के बचें। अपने कोच या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने की कोशिश करें जो इस स्थिति में उचित रूप से आपका मार्गदर्शन कर सके। अगर आप अप्रिय चीज़ों के बारे में बोलते रहते हैं तो आप अपने जीवन में अधिक निराशा और दुख को आमंत्रित करेंगे। इसके बजाय अपने दिमाग को मोड़ें, अपने दिमाग को परिवर्तित करें, अपने दिमाग को ऐसी तीरें तरफ ले जाएं, ऐसी चीज़ों की तरफ जो इससे आपको प्रेरणा मिले, और ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखें जिससे आपको मोटिवेशन मिले। उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जो आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, और एक सूची बनाएं, इसमें सब कुछ लिखें जिसके बारे में आप मानते हैं आप उसको प्राप्त करने और उसे आकर्षित करने के योग्य हैं। इसे रोजाना पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चीज़ को रोजाना पढ़ें कि मुझे IAS बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे IAS बनना है, मैं IAS हूँ, मैं IAS हूँ, और मेहनत करें। तो इससे आप, यह सरल व्यायाम आपके कंपन को बढ़ाएगा और आपको सकारात्मक विश्वास और उम्मीद से भरेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सकारात्मक रखिए। आप देखिए, हमारी जो मूवी थी उरी, उसमें आप अगर देखें तो एक वर्ड है जो हमारी सेना के द्वारा बोला जाता है, हाउ इज द जोश, हाई सर, हाउ इज द जोश, हाई सर, हाउ इज द जोश। मुझे लगता है कि अगर आप ये वर्ड 3 बार अपने आप से बोल लें तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, दूसरों को माफ़ नहीं करना खुशी और शांति के रास्ते में प्रमुख रुकावट है। यदि आप दूसरों के प्रति क्रोध, आक्रोश को पाले रखते हैं तो ये भावनाएं आपके जीवन को का हिस्सा बनी रहेंगी। अतीत के प्रभावों को वर्तमान की शक्ति से दूर किया जा सकता है, और वह शक्ति केवल आपके पास है। आपको, आप ही अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करिए। इस व्यायाम को रोज करें, उनके बारे में सोचें जिनके प्रति आपके मन में क्रोध, और उन्हें मानसिक रूप से आशीर्वाद दें, उनसे मानसिक रूप से आशीर्वाद दें। और तीसरा है, यूनिवर्स पर, इस नेचर पर भरोसा रखें, इस नेचर पर भरोसा रखें कि आपके लिए कुछ न कुछ जरूर बनाया हुआ है। आप कभी हारे मत, हारने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप प्रयास करें, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने आप को याद दिलाएं कि आप एक समृद्ध, प्रेममय और मददगार ब्रह्मांड में रहते हैं। हर रात जब आप सोते हैं तो अपने सारे बोझ ब्रह्मांड व सर्वोच्च शक्ति को दे दें। मानसिक रूप से दोहराते रहें, मैं अपने सभी विचार और भावनाएं प्रिय भगवान ब्रह्मांड को देता हूं और मैं स्वतंत्र हूं। इससे आपको अतीत से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। और चौथा जो मैं आपको बता रहा हूं, अपने दिमाग में सफलता की मजबूत छवि को पकड़े। आप सफल होकर रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है।
उन सभी तरीकों के बारे में सोचना शुरू करें जो आपके जीवन में काम कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अपनी इच्छा और लक्ष्य के खुद को स्पष्ट रूप से देखना शुरू करें। किसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद कुछ सेकंड में ही अपने भीतर उस विषय के कंपन को सक्रिय करना शुरू करते हैं। हर बार जब आप प्रसन्नता देने वाली परिणामों की कल्पना करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक अलग तरह की ऊर्जा आपको मिलती है और एक ऐसा इन्वायरमेंट आपके आसपास खड़ा हो जाता है जो आपके आत्मविश्वास, आत्म आश्वासन और प्रेरित महसूस करने में मदद देगा। मेरे दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेमिनार के लिए, फ्री सेमिनार के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9868648832 पे संपर्क कर सकते हैं। अब प्लीज़ मेरे दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।